खेती किसानी और खेलकूद का नाम सुनते ही सबके जहन में हरियाणा का नाम आता है। बीजेपी इन्हीं तीनों चीजों पर बड़े बड़े वादे करके हरियाणा की सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीते 10 साल में उसने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने बेरोजगारी दूर करने, किसानों की उपज बढ़ाने और मेडल लाने के लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इन वादों को उसने पूरा ही नहीं किया। आज हम आपको इन वादों की सच्चाई बताएंगे। बेरोजगारी। बीजेपी ने 2019 में हरियाणा में युवा विकास और स्वरोजगार मंत्रालय बनाने का वादा किया था। साथ ही कहा था कि वो 25 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। साथ ही 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन बीजेपी सरकार भर्ती ही नहीं कर रही है। हरियाणा के युवा देश सेवा के लिए सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर लागू होने के बाद से सेना में भी पक्की नौकरी नहीं मिल रही। खिलाड़ियों की अनदेखी। 2019 में बीजेपी ने राज्य के युवाओं से वादा किया था कि वो 1000 स्पोर्ट्स नर्सरी बनाएगी, हर गांव में स्टेडियम और जिम खोलेगी, लेकिन सरकार में आने के बाद मोदी सरकार ने खेलो इंडिया में हरियाणा को बजट ही कम दिया। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हरियाणा को 66 करोड़ रुपए मिले, वहीं उत्तर प्रदेश को 439 और गुजरात को 426 करोड़ रुपए मिले। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का 16% योगदान है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने किसानों की MSP की लीगल गारंटी की मांग को नहीं माना, उल्टा उन पर लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले दागे, उन्हें मुकदमों के जाल में फंसाया। साफ है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के गौरव युवा, खिलाड़ी, किसान को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी को हराकर राज्य की जनता कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।